Hello dear student, today I am discussing the design steps of Asperger. Design of Asperger, that means to find the module and all the parameters which is related directly related to the module. That means diameter of pinion, diameter of gear, number of teeth in pinion, number of teeth in gear and face width value. So we have to discuss design steps, mainly four design steps. Number one is to find the tangential load for given power. Okay, जो भी मेरा power given है उसके according हमको क्या find करना है, tangential load. ये जो आपका है tangential load हम लोग find करेंगे for given power. Okay, power given है, पावर इज गिवन 12 किलोवाट. ठीक है, एंड ये आपका सर्विस फैक्टर है, दिस वन इज द सर्विस फैक्टर. देन सेकेंड स्टेप इज अप्लाइंग लेविस इक्वेशन. अप्लाइंग लेविस इक्वेशन दैट इज डब्ल्यू टी इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू बी पी सी इंटू वाई. पी सी पी सर्कुलर डायमीटर, बी इज इक्वल टू फेस विड्थ, वाई इज इक्वल टू लेविस फॉर्म फैक्टर. ओके, then we have to here CO allowable stress into CB in place of static or static stress. We have to replace this value with CB. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे next third step देखेंगे, इसमें हम लोग module find करेंगे. ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है फॉर अप्लाइंग लेविस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड ठीक है वीकर सेक्शन. ठीक है, विच वन इज द वीकेस्ट मेंबर आइदर पिनियन और गियर. इट इज डिफरेंट, इफ इट इज डिफरेंट मटेरियल देन वी हैव टू फाइंड. ठीक है, इफ हैव टू सेम मटेरियल then go for the design of pinion. अगर तो same material का होगा तो हम लोग design of pinion पे करेंगे, अगर different material है तो हम लोग उसको find करेंगे कि कौन सा material होगा. ठीक है, then step number 3 calculation of dynamic load WD और ये जो आपका है FD. FD आपका notation है data book में, तो data book के according हम लोग चल रहे हैं. FD is equal to FT प्लस एफ आई, दिस वन इज द जो हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू टी फाइंड किए थे वही मेरा क्या है एफ टी. ओके, और एफ आई आपका है इंस्टेंटेनियस लोड, और ये आपका फॉर्मूला गिवेन है आपका डाटा लोड डाटा बुक में 15.9B में. ठीक है, देन नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिक लोड डब्ल्यू एस इजकल टू सिग्मा ई बी पी सी इंटू वाई. दिस वन इज द लेविस इक्वेशन. अगेन लेविस इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्टैटिक लोड. ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक लोड में ये चेंजेज आएगा, यहाँ पे जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा इंड्यूरेंस स्ट्रेस. ठीक है, एंड पी सी इज रिप्लेस्ड बाय पाई इंटू एम. पी सर्कुलर डायमीटर, वी नो दैट पी सर्कुलर डायमीटर इज इक्वल टू पाई डी अपन टी. क्या होता है पी सर्कुलर डायमीटर, पी सी इज इक्वल टू पाई डी अपॉन टी. ठीक है, डी अपॉन टी नॉट डी टी. तो ये जो आपका डी बाई टी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एम. तो यहाँ से पी सी इजकल टू क्या हो गया पाई इंटू एम. ठीक है, यहाँ से हम लोग फॉर सेफ डिजाइन हम लोग लिख सकते हैं डायनेमिक लोड इज लेस देन द स्टैटिक लोड. जो मेरा स्टैटिक लोड होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डायनेमिक लोड. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग बोल सकते हैं जो मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू है दिस वन इज द डायमीटर डब्ल्यू डी एंड डब्ल्यू एस, देन वी हैव टू से दैट द वैल्यू इज करेक्ट और डिजाइन इज सेफ. ओके, देन स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 इज कैलकुलेशन ऑफ वियर लोड. कैलकुलेशन ऑफ वियर लोड डब्ल्यू डी है ना, वियर लोड दैट इज डी पी बी क्यू के है ना, ऑल दिस नॉन वैल्यू. डी पी डायमीटर ऑफ पिनियन, बी इज इक्वल टू फेस विड्थ, एंड क्यू इज इक्वल टू हेयर इट इज गिवेन क्यू इज इक्वल टू दिस इन डाटा बुक
in 15.12. Okay, and k is equal to also here, where k is equal to given this in data book, k is equal to मेरा दिया हुआ है, ये आपका इंडोरेंस स्ट्रेस है साइन फाइव, फाइव मेरा प्रेशर एंगल है, वन अपॉन ई ऑफ पी है ना, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द पिनियन एंड गियर, ये यहाँ पे हम लोग दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू पुट करेंगे, साइन फाइव का वैल्यू पुट करेंगे, देन हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे के, और क्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका है क्यू का वैल्यू यहाँ पे भी देख सकते हैं गिवन है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है टू एन ऑफ जी है ना, एन रिवॉल्यूशन ऑफ गियर एंड ये आपका पिनियन, ये आपका पिनियन सफिक्स पी फॉर पिनियन जी फॉर गियर, यहाँ से हम लोग क्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, अब इक्वेशन में के का वैल्यू पुट करेंगे और क्यू का वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग यहाँ से एफ डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे, देन हम लोग फॉर सेफ डिजाइन पे हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, दिस डब्ल्यू वियर लोड शुड बी ग्रेटर देन द डायनेमिक लोड, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस डिजाइन इज सेफ, ठीक है, दिस वन इज द डिजाइन प्रोसीड्योर फॉर द स्पर गियर, सो इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे इसी के बेसिस पे, यहाँ पे जितना भी वैल्यू है हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ से पे सर्विस फैक्टर आपका गिवन है डाटा बुक में, सर्विस फैक्टर फॉर हैवी लोड, लाइट, मीडियम लोड एंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग आवर ऑल्सो 8 to 10 hours, 6 hour, सो सर्विस फैक्टर वी हैव टू एड सर्विस फैक्टर फ्रॉम द डाटा बुक, देन हम लोग यहाँ पे हम लोग सी बी का वैल्यू, अगर हम लोग ये आपका पिच लिनियर वेलोसिटी फॉर पिनियन के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे वी इजकल टू पाई डी एन अपॉन 60, ठीक है, यहाँ पे एन ऑफ पिनियन और यहाँ पे डी ऑफ पिनियन हम लोग लेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे पिनियन पे डिजाइन करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एम फाइंड करेंगे, ये डब्ल्यू टी जो है कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, डब्ल्यू टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे मेरा अननोन वैल्यू क्या आ जाएगा, अननोन वैल्यू सिर्फ रहेगा एम, इस इक्वेशन में अननोन वैल्यू रहेगा एम, तो यहाँ एम जो है कि हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और वाई का वैल्यू जो है कि लेविस फॉर्म फैक्टर का एक इक्वेशन आपको गिवन होगा, जो पिच लाइन वेलोसिटी आएगा, सपोज आपका ये 3 meter आएगा तो 3 meter के रेंज में जो मेरा वाई का वैल्यू गिवन होगा उस वाई को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपका डिजाइन प्रोसीड्योर है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इस जो न्यूमेरिकल हम लोग लिए हैं ऊपर में उसका हम लोग डिटेल सोल्यूशन देखेंगे, ये तो मेरा डिजाइन स्टेप है, पहले आपको इसको जो है कि डिजाइन आपको स्टेप्स याद होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या हम लोग प्रोसीड्योर है, देन हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, विदाउट नोइंग द स्टेप्स वी कांट डू दिस, ठीक है, तो क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको स्टेप्स पता होना चाहिए, यहाँ पे देखिए आपको सारा दिया हुआ है, इन इलास्टिक ई का मॉड्यूल यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, देखिए आपका वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका नंबर ऑफ टीथ फॉर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे टी ऑफ पी है ना, जब हम लोग पिनियन पे करेंगे तो पिनियन का देखिए सी बी का वैल्यू भी दिया हुआ है दैट इज दिस है ना, ये अगर नहीं भी गिवन होगा तो हम लोग डाटा बुक में अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे, ठीक है।